हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। सो अगेन, अब हम नेक्स्ट लेक्चर, ऑलरेडी हमने सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस और इंटर स्टेट रिलेशंस। ये तो सेंटर स्टेट की बात हो गई कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी और स्टेट गवर्नमेंट की। इंटर स्टेट होती है दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेशंस के लिए क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगेन, जहां तक फाइनेंशियल रिलेशन की बात करूं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से देखिए क्वाइट इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम इसे काफी चीजें फाइनेंशियल रिलेशंस में ऐसी हैं यू नो विच आर लाइक यू शुड अवॉइड, वो नहीं पढ़नी क्योंकि उनपे क्वेश्चंस नहीं आते आपको प्रिंस में। ओके काफी यू नो काफी चीजें बड़ी ही फैक्चुअल टेक्निकल है जो आपको एकदम स्पेसिफिक प्रोविजन दिए, तो कुछ प्रोविजंस तो आपको आउटराइटली मतलब याद नहीं करने, बट जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखना है, उनके पीछे लॉजिक क्या है वो समझना है। और जहां तक इंटर स्टेट रिलेशंस की बात की जाए तो इसमें दो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो हो गया रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को लेके जो प्रोविजन है। ओके रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को लेके, और एक दूसरा हो गया इंटर स्टेट काउंसिल्स को लेके। ओके इंटर स्टेट काउंसिल्स को लेके। सो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इसमें आपको सेकेंड वाले इसमें देखने हैं। ओके सो लेट्स बिगिन। सो फॉर दोज हु आर वॉचिंग इट फर्स्ट टाइम, दिस इज कम्प्लीटली 3 months फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 बाई प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस एक कम्प्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लाया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। एंड अगेन, ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। वी आर गोइंग टू कवर द डायनेमिक एज वेल एज द स्टैटिक पोर्शन। साथ ही साथ यू नो हम आपके सी सेट भी कवर कर रहे हैं और डाउट सेशंस भी होंगे हर संडे को। यानी कोई भी लेक्चर हो आपका इस यू नो इस कोर्स का, आप वो लेक्चर देखते हो, आपको कोई भी डाउट है, तो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक डाउट फॉर्म है। आप उस डाउट फॉर्म में अपना डाउट लिखिए और हर संडे को आपके वो डाउट्स को एड्रेस किया जाएगा। एंड ऑल्सो एट द एंड हम 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। एंड दीज मॉक टेस्ट विल बी डिजाइन टू इंश्योर कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिन क्वेश्चन की होती है वो इन मॉक टेस्ट में हो, ताकि यू नो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपकी चांसेस सिलेक्शन की ज्यादा से ज्यादा रहे। ओके सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज तो जो सेंटर स्टेट, हम अगर फाइनेंशियल रिलेशन की बात करते हैं तो फाइनेंस की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज आती है टैक्स की, टैक्स की पावर्स। देखिए फाइनेंस की बात करते हैं टैक्स बोरोइंग, राइट, टैक्स बोरोइंग और नॉन टैक्स, ये तीन मेजर चीजें आती है। तो इन तीनों चीजों से डील करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम डील करते हैं दैट इज रिलेटेड टू टैक्सिंग पावर्स, कि कैसे टैक्सिंग पावर्स डिवाइडेड है, मतलब टैक्स लगाने की, कि किस यू नो कि सेंटर के पास किस क्या क्या टैक्सेस की पावर है और स्टेट के पास क्या क्या टैक्सेस की पावर है। तो लेट्स सी। सो यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में कई ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे टैक्स लगाया जा सकता है, कोई टैक्सेशन पावर्स है, तो उसमें जो है पार्लियामेंट लेवी कर सकती है टैक्सेस। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है, जो टैक्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स है, उस पे पार्लियामेंट लेवी कर सकती है टैक्स। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में भी कुछ चीजें हैं जिन पे टैक्स टैक्स रिलेटेड पावर्स हैं, तो उसपे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है। अगेन काफी कॉमन सेंस वाली बात है, इट्स नथिंग लाइक कि यूनियन लिस्ट है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में, बट कुछ सब्जेक्ट्स टैक्स से भी रिलेटेड है, तो वो टैक्स से रिलेटेड जो मैटर्स है या टैक्स इम्पोजिशन से रिलेटेड मैटर्स है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट टैक्स लगा सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स लगा सकते हैं। ओके अब कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए, जहां तक कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें कोई भी ऐसा मैटर नहीं था जो टैक्स यू नो टैक्स रिलेटेड मैटर था, बट एक जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो इसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए कॉन्करेंट पावर्स है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को। कॉन्करेंट मतलब दोनों को साइमल्टेनियस पावर्स है, कि दोनों अपना यू नो जैसे पार्लियामेंट सेंट्रल जीएसटी के लिए लॉ बनाया है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने स्टेट जीएसटी के लिए लॉ बनाया। बट अगेन आगे हम देखेंगे कि ये लॉज बनाए किस बेसिस पे, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट ने अपना खुद का जीएसटी लॉ बनाया और स्टेट ने अपने खुद का जीएसटी लॉ बनाया। पार्लियामेंट ने बनाया सेंट्रल जीएसटी लॉ, ओके, और स्टेट ने बनाया स्टेट जीएसटी लॉ, ओके। और जो बची हुई रेसिडुअरी पावर्स जो ना यूनियन ना स्टेट लिस्ट में ना कॉन्करेंट लिस्ट में, वो कहाँ आएंगी, वो किन के पास होगी, वो पार्लियामेंट के पास होगी। तो पार्लियामेंट हैज रेसिडुअरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन। सो आई होप ये क्लियर है कि कैसे टैक्स पावर्स डिवाइडेड है,
इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स को लेके, विथ रिगार्ड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देयर इज कॉन्करेंट पावर विथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. यानी गुड्स और सर्विसेज टैक्स के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों अपना लॉ बना सकती हैं. ओके, एंड अगेन वो लॉ किस बेसिस पे बनाएंगी, वो लॉ वो बनाती हैं जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे. आगे हम थोड़ा बहुत जीएसटी काउंसिल के बारे में भी पढ़ेंगे अभी, बट यस हम इसको बाद में जो लेक्चर में आप देखोगे शेड्यूल में, तो एंड में हम जीएसटी काउंसिल को और डिटेल में कवर करेंगे. अभी बस बेयर मिनिमम कवर करेंगे उसका जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. नाउ अब आपने देख लिया कि टैक्सेशन पावर डिवाइड कर दी गई है ऐसे ऐसे. अब जो स्टेट्स हैं उनकी टैक्सिंग पावर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है. तो क्या रिस्ट्रिक्शन है, देखिए ये थोड़ा बहुत बोरिंग और फैक्चुअल होने वाला है, बट प्लीज ध्यान से देख लीजिए. आई हैव ट्राइड टू मेक इट लाइक एज क्लियर एज पॉसिबल ताकि ज्यादा बोरिंग ना रहे. ओके, सो क्या रिस्ट्रिक्शन है स्टेट की टैक्सेशन पावर पे, कि जैसे जो प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट पे जो टैक्स लगता है, इट शुड नॉट एक्सीड 2500 रुपीज. एक तो ये हो गई. सेकेंड, इट स्टेट्स कैन नॉट इम्पोज टैक्स ऑन सप्लाई एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज इफ, सो कोई कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रही है. अगेन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट. देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये बहुत पहले से और बार बार इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आया, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट है. सो बेसिकली स्टेट्स किस किस गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे टैक्स इंपोज नहीं कर सकता इफ सप्लाई इज आउटसाइड द स्टेट, यानी स्टेट के बाहर से सप्लाई हुई है, और इफ द सप्लाई टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. ओके, सो इन दो कंडीशंस में स्टेट कैन नॉट इंपोज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सिमिलरली एक कुछ और चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय सेंटर और इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ रेलवे, और ऐसी और भी दो तीन चीजें हैं जिनके ऊपर स्टेट कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस. बट अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है ये कि किस केस में स्टेट टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे. ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज. सो बेसिकली देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना, अब बेसिकली जो टैक्स रेवेन्यूज जो होते हैं, जो टैक्स बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस, तो किस टैक्स का रेवेन्यू किसको जाएगा. सो बेसिकली देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तीन चीजें बताता है कि कौन लेवी करेगा टैक्स, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, और कौन टैक्स अप्रोप्रिएट, मतलब किसको दिया जाएगा टैक्स यूज करने को. सो ये तीन चीजें बताई जाती है अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, कि कौन टैक्स लेवी करेगा, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, और कौन टैक्स अप्रोप्रिएट करेगा. राइट, एंड बिफोर दैट दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे विच हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज. एक था अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन. देखिए ये दो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दो मेजर अमेंडमेंट्स है जिसने टैक्स रेवेन्यूज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इम्पैक्ट किया. एक है अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, ये लाए हम 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. राइट, और इसमें यह था कि जो भी टोटल इनकम आती है फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज उसमें से 29% शुड गो टू स्टेट्स. राइट, बट और अब ये कितना हो गया, बढ़ के अब ये 42% हो गया है. ओके, 42% हो गया था 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे. सो ये थी अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कई टैक्सेस, कई बहुत सारे टैक्सेस क्लियरली मेंशन थे, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया. राइट, इनकम टैक्स तो ऑलरेडी था, कॉर्पोरेट टैक्स और ऐसे और भी टैक्सेस थे जो मेंशन थे यहाँ पर, कि ये जो टैक्सेस और ड्यूटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें से एक सर्टेन पोर्शन एट दैट टाइम था 29%, अभी बढ़ के हो गया 42%. तो एक परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है ये 29% ये तब था जब 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया अभी, और इनफैक्ट ये भी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही आया. अब ये बढ़ के कितना हो गया, अब ये बढ़ के 42 आया ऑन द बेसिस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, और अभी तो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी है अपनी. ओके, तो जब हम 15th फाइनेंस कमीशन बॉडी के बारे में एंड में आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, तो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस भी देखेंगे. ओके, सो एक तो ये हो गया अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, और एक हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टैक्स है. तो इसने क्या किया, इसने क्या मेजर चेंज लाया, इट गिव कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर्स अपॉन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजर, जो आप ऑलरेडी देख सके, और ऑलरेडी इसने काफी जो टैक्सेस थे सेंटर और स्टेट दोनों के वो सब्ज्यूम कर लिए थे जीएसटी ने. सो जीएसटी हैड सब्ज्यूम्ड वेरियस टैक्सेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट. अब हम थोड़ा पढ़ते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, क्योंकि बेसिकली जीएसटी काउंसिल ही मेन बॉडी है
जो जीएसटी के रिलेटेड सारे की डिसीजंस लेती है और इसी और रिकमेंडेशंस देती है, और इसी के रिकमेंडेशंस मान के वो सब यू नो इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इट इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 279 ए बाय प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा बेसिक ही पढ़ रहे हैं, जब आगे जाएंगे हम यू नो आगे की क्लासेस में हम जीएसटी काउंसिल और डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्टिल ये भी बेसिक पढ़ रहे हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इट इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 279 ए बाय प्रेसिडेंट। इट इज अ ज्वाइंट फोरम फॉर सेंटर एंड स्टेट्स फॉर कोऑपरेशन टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, कि कैसे जीएसटी मतलब जीएसटी की पॉलिसीज को लेके क्या एक कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया था। ओके, और अब दिस इज इंपॉर्टेंट कि जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या है। सो इट मेक्स रिकमेंडेशन ऑन फॉलोइंग मैटर्स, कि विच टैक्सेस आर टू बी मर्ज विद जीएसटी, कि कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंडर लाने हैं वो जीएसटी काउंसिल बताती है। नाउ विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी ब्रॉट अंडर जीएसटी और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमें अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को हमें यू नो जीएसटी में लाना है तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल का डिसीजन जरूरी है, जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। ओके, नाउ मॉडल जीएसटी लॉज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जीएसटी काउंसिल ने मॉडल सेंट्रल जीएसटी लॉ लाई और मॉडल स्टेट जीएसटी लॉ लाई, और फिर जो स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर था और पार्लियामेंट था उन्होंने फिर उसी मॉडल लॉ को पास किया। ओके, एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी अपोर्शनमेंट ऑफ जीएसटी लेवीड ऑन सप्लाइज ऑफ सप्लाइज इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब बेसिकली देखिए कुछ गुड्स अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे राजस्थान से मान लीजिए कुछ गुड दिल्ली में आया, तो उस केस में किस बेसिस पे वो जो यू नो कि कौन लेवी करेगा उस पे जीएसटी और कितने परसेंट किसको, कौन से स्टेट को कितना परसेंट जीएसटी मिलेगा, इसके जो प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करने हैं वो कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल, राइट। एंड ऑल्सो इट विल डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि बेसिकली जहां पर सप्लाई होती है वहीं पर जीएसटी लगता है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना भी इंपॉर्टेंट है। इट विल ऑल्सो डिटरमाइन रिकमंड, नॉट डिटरमाइन बट रिकमंड द लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टर्नओवर बिलो विच जीएसटी में भी बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज में भी एग्जेम्प्टेड, मतलब एक थ्रेशोल्ड लिमिट बता देगा कि इतने लिमिट से ऊपर की अगर आपकी सेल हो रही है या कुछ हो रही है तो यू विल तो जीएसटी अप्लीकेबल होगा, अगर उससे कम हो रही है तो आप यू विल बी वन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। और जीएसटी रेट्स ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीएसटी रेट्स की किसी यू नो किसी गुड्स और सर्विसेज पे रेट बढ़ाना है या घटाना है या कोई नया रेट देना है, रेट का बैंड देना है, राइट। अभी तीन रेट्स हैं, सो अभी बहुत सारे रेट्स हैं, अभी जैसे 0% है, 5% है, फिर 12% है, फिर 18% है। ओके, फिर उसके ऊपर टैक्स सरचार्ज भी है किसी पे, तो ऐसी ये रेट्स कौन, बैंड ऑफ रेट्स कौन डिटरमाइन करता है, ये जीएसटी काउंसिल डिटरमाइन करती है। एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल कैमिटी और डिजास्टर भी कौन, जीएसटी काउंसिल डिटरमाइन करता है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो विच आर टैक्सेस सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी। ओके, यू कुड सी हियर टैक्सेस सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी, राइट। सो बेसिकली देखिए सेंटर के कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम करता है, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सर्विस टैक्स। सो सर्विस टैक्स प्लीज ये बहुत ध्यान से रखिए, इस पे प्रिलिम्स पे क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी में कौन से टैक्स सब्ज्यूम्ड है, तो सर्विस टैक्स इज सब्ज्यूम्ड। एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, कस्टम्स ड्यूटी इज नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी बट एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स इज सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, एंड देन सेंट्रल सरचार्जेस और सेस आर ऑल्सो यू नो रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे सरचार्जेस और सेस जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करते हैं दे आर ऑल्सो सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। स्टेट का कौन सा है, स्टेट के कौन से टैक्सेस एंड लेवीज है, सो स्टेट का वैट या तो वैल्यू एडेड टैक्स या सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन द टैक्सेस लेविड बाय द लोकल बॉडीज, सेंट्रल सेल्स टैक्स लेविड बाय द सेंटर, सो सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन, सेंटर लगाता था बट इट वॉज कलेक्टेड बाय स्टेट्स, ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड देन टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड स्टेट सरचार्जेस एंड सेस रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिए। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट टैक्सेस है वो ध्यान में रखिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। इनफैक्ट मेंस में तो ऑलरेडी आ रखा है 2019 में क्वेश्चन की कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम किए थे, बट इट वॉज इवन अनएक्सपेक्टेड क्योंकि
कोई सोचेगा 2016 में आया जीएसटी तो 2019 में कैसे पूछ सकते, इसलिए प्लीज इस पे एक पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। ओके नाउ अब प्रेजेंट पोजीशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स को लेके। सो इसमें सबसे पहले ऐसे टैक्सेस विच आर सच टैक्सेस विच आर लेवीड बाय द सेंटर, जो सेंटर लगाता है टैक्स बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, जो कलेक्शन उसका और उसका यूज कौन करेगा, स्टेट्स। ऐसे कौन से टैक्सेस है, तो ऐसे टैक्सेस हैं स्टैम्प ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, पॉलिसीज, इंश्योरेंस, ट्रांसफर। देखिए डू नॉट रिमेंबर दिस, डू नॉट ट्राई टू मग इट अप, अंडरस्टैंड करिए। और क्योंकि क्वेश्चन भी अगर इस पे बनेगा तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बनेगा, क्योंकि अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस पे बनाया तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू आंसर अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस। ओके कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर एमसीक्यू आया तो उसको आंसर करना बहुत मुश्किल है। ओके सो इसीलिए इसको समझने की कोशिश करिए कि ऐसे कौन से टैक्सेस हैं और कुछ जो की एक्सेप्शंस हैं इधर उसको समझने की कोशिश करिए। ओके सो ऐसे कौन से टैक्सेस है जो सेंटर लगाता है बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, ये स्टैम्प ड्यूटीज हो गई ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर्स ऑफ शेयर्स एंड अदर। नाउ दीज काइंड्स ऑफ टैक्सेस आर नॉट पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दे आर असाइंड टू स्टेट्स। ओके सो वेरी सिंपल, नाउ देर आर सम टैक्सेस विच आर लेवीड एंड ऑल्सो कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके बट आर असाइंड टू स्टेट्स, जो है स्टेट्स को दिए जाते हैं। सो दीज ऐसे कौन से टैक्सेस है, These are taxes on sale and purchase of goods in course of interstate trade and commerce. So, ये important है. So, अगर inter, you know, अगर एक state से दूसरे state में कोई sale and purchase of goods हो रही है in course of interstate trade and commerce, तो उस पर tax कौन लगाएगा, central government. और उस पर tax central government लगाएगी और collect भी कौन करेगा, central government. But assign किन को होगा, states को. मान लीजिए राजस्थान से बिहार में कोई गुड यू नो ट्रेडिंग हो रही है, उसमें जो गुड्स ऐसे गए उसका सेल और परचेज पे कोई टैक्स लगा, तो उस पे टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उस टैक्स को कलेक्ट भी कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वो टैक्स किसको मिलेगा, राजस्थान और बिहार की गवर्नमेंट को। ओके नेक्स्ट इज टैक्स ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन इंटरकोर्स ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके अगेन ऐसे भी टैक्स जो इंटर देख लीजिए एक ट्रेंड आप नोटिस करें, जो भी इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, इवन जीएसटी में भी था इंटर स्टेट सप्लाई था, उसमें किसको पावर दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को। या ओके नाउ दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दीज आर असाइंड टू स्टेट्स। बट देखिए अब राजस्थान और बिहार के बीच में ट्रेड हुआ गुड का, ओके बट अब किस बेसिस पे, 100 रुपए का हुआ उस पर हमने 100 रुपए का टैक्स आया, तो वो 100 रुपए में से कितना परसेंट यू नो राजस्थान को जाएगा और कितना परसेंट बिहार को जाएगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये किस बेसिस पे डिटरमाइन होगा, तो इसके प्रिंसिपल्स कौन ले डाउन करेगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट विल डिटरमाइन, पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स ले डाउन करेगा, ये प्रिंसिपल्स के बेसिस पे टैक्स जो है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में कुछ टैक्स अगर कलेक्ट किया गया होगा तो वो स्टेट्स के में ऐसे डिवाइड किया जाएगा। ओके नाउ हियर आर सम अदर टाइप्स ऑफ यू नो डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, I hope you know these are levied and collected by a center, यानी interstate trade goods and services tax, अगर interstate trade में जो है trade and commerce के case में it is levied and collected by center but divided between center and states in the manner provided by parliament on recommendation of GST council. So please ये वाला aspect important याद रखिए कि किस basis पे divide होता है, एक तो center और states के बीच में divide होता है और किस basis पे in पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है किस मैनर में डिवाइड होगा और पार्लियामेंट किस बेसिस पर डिटरमाइन करता है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो प्लीज देखिए जीएसटी काउंसिल का रोल आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके नाउ देयर इज सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर, यानी सेंटर कुछ टैक्स पे सरचार्ज लगा सकता है, राइट सो वो सरचार्ज जो है उसकी जो सारी पैसा जाएगा वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, राइट सो पार्लियामेंट जो है Parliament can levy surcharges on taxes and duties referred to in Article 269 and 270. Okay, so 269 or 270. इसमें जो ये जो taxes हैं, इनके ऊपर Parliament surcharge लगा सकता है, right? So इन taxes के ऊपर Parliament surcharge लगा सकता है। ये surcharge का पैसा किसके पास जाएगा? ये surcharge का पैसा सिर्फ central government के पास जाएगा, okay? The money for this surcharge will go only to the central government. So again, एक important point जो आपको याद रखना है, जो surcharge है, जो tax और duties पे लगाता है, कौन लगाता है? Parliament.
अंडर आर्टिकल 278, और जो सरचार्ज से पैसा आता है वो किसके पास जाएगा, सेंटर के पास। एंड वन मोर थिंग, जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस सरचार्ज, मतलब जीएसटी पे अंडर आर्टिकल 271 पार्लियामेंट सरचार्ज नहीं लगा सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट्स, राइट। तो ऐसे कुछ टैक्सेस जो लेवी और कलेक्ट करता है सेंटर, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और यहाँ पर रोल आता है, इसी में रोल आता है फाइनेंस कमीशन का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है, ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस टैक्सेस का, राइट। सो इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज इन यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट द टैक्सेस इन 268, 269 एंड 269A एंड 262 जो सरचार्जेस ऑन टैक्स एंड ड्यूटीज इन आर्टिकल 271 एंड एनी सेस। तो बेसिकली देखिए, यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे जो है सेंटर लेवी करके कलेक्ट करेगा, बट उनको डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सेंटर स्टेट्स के बीच में। बट यस, कौन से वाले टैक्सेस इसके एम्बिट में नहीं आते जो हमने अभी सारे पढ़े, क्योंकि देखिए 268, 269, 269A और 271 ये सब हमने अभी पढ़ा। देखिए ये सब चीजें के लिए डिवीजन का ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल बता दिया कि किस बेसिस पे डिवाइड होंगे, तो इसीलिए इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ओके राइट, तो सरचार्ज भी नहीं आता, सरचार्ज तो हमने क्लियरली बता ही दिया कि सेंटर के पास पैसा जाता है उसका, और सेस भी जो लगाया गया है उसका भी पैसा सेंटर के पास ही रहेगा, इट विल नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर नॉट इन द डिविजिबल पूल। जो फाइनेंस कमीशन जो टैक्सेस का डिविजन करता है तो इन चीजों का डिविजन नहीं करता है। ओके, बाकी सारे जो यूनियन लिस्ट में टैक्स है उन सबका डिविजन करता है एक्सेप्ट फॉर दीज थिंग्स, राइट। And distribution done on the basis of recommendation of Finance Commission. And lastly, कुछ ऐसे टैक्स है which are collected and retained by states, ये स्टेट लिस्ट में ही है। तो जो स्टेट लिस्ट में टैक्सेस है वो कलेक्ट और रिटेन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। ओके, नाउ दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये आप देख सकते हैं स्लाइड में भी देख सकते हैं, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे, बैंक, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एससी 10 लैब्स और अदर्स, और स्टेट का भी इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एससी 10 लैब्स और अदर्स, राइट। सो अगेन इतना नॉट सो इम्पॉर्टेंट आई वुड से। देखिए आई होप आपने जो इकोनॉमिक्स में आपने टैक्स रेवेन्यूज और नॉन टैक्स रेवेन्यूज तो पढ़ लिया होगा, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं उनका डिविजन। ओके, नाउ अब आता है ग्रांट्स इन एड। सो बेसिकली ये तो था हम टैक्स की बात कर रहे, हमने अभी तक बात कर ली टैक्स की, तो टैक्स हो गया, अब हम बात करते हैं ग्रांट्स की। ग्रांट्स होते हैं जो मतलब विदाउट एनी रिटर्न के जो है प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जिसको एक्सपेक्ट, जिसके जिसको यू नो किसी को प्रोवाइड करते हैं हम ग्रांट, बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट हिम टू रिटर्न इट, तो उसको बोलते हैं हम ग्रांट। सो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तीन टाइप की ग्रांट्स की बात करता है, स्टैट्यूटरी, डिस्क्रिशनरी एंड टेम्परेरी ग्रांट्स फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, ये तो काफी लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। जिसपे पॉसिबिलिटी है वो है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स या डिस्क्रिशनरी ग्रांट, राइट। सो जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं ये दीज आर मेड बाय द पार्लियामेंट, ये कौन देता है, किस बेसिस पे, पार्लियामेंट करता है डिटरमाइन कि किसको ग्रांट्स देने, एंड दीज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब आगे आप हम जब यू नो पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि कोई एक्सपेंडिचर अगर चार्ज दे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का इंडिया पे, तो इसका मतलब उस पर वोट नहीं हो सकता। ओके, सो एंड अगेन ग्रांट्स में देखिए इसमें भी दो टाइप की, एक हो गई जनरल, एक हो गई स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक ग्रांट कौन सी है, स्पेसिफिक ग्रांट्स आर दोस विच आर फॉर वेलफेयर फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ स्टेट फॉर रेजिंग देयर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज इन अ स्टेट इंक्लूडिंग आसाम। सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड एरियाज के इंप्रूवमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक ग्रांट दी जा रही है तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रांट। अगेन ये भी ग्रांट कौन करता है, पार्लियामेंट, राइट, एंड इट्स चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दिस इज गिवन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। सो ये वाली ग्रांट जो है ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे दी जाती है, और अगेन डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ ग्रांट्स दी जा सकती है अंडर दिस। ओके, सिमिलरली एक आ गई अब आपके पास डिस्क्रिशनरी ग्रांट। सो दिस इज गिवन बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो ये गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर नहीं, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नॉट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक दिस ग्रांट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो आपने देख लिया कि ये जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं
ये सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, जिसे पहले पहले अगर आप जानते हो प्लानिंग कमीशन होती थी, और प्लानिंग कमीशन प्लान असिस्टेंट्स और ऐसी बहुत सारी ग्रांट्स देती थी, सेंट्रल प्लान असिस्टेंस ग्रांट, सेंट्रल प्लान असिस्टेंस ग्रांट। तो ये सेंट्रल प्लान असिस्टेंस ग्रांट कैसे देते थे, ये प्लानिंग कमीशन डिटरमाइन करती थी डिस्क्रिशनरी ग्रांट। तो ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स कौन देते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन डिटरमाइन करता था, प्लानिंग कमीशन, जैसे सेंट्रल प्लान असिस्टेंस हो गया, ओके। और ये किसी भी पर्पस के लिए, एनी पब्लिक पर्पस के लिए दे सकते हैं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये ग्रांट्स कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं और किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट्स दे सकते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस टेम्परेरी ग्रांट्स, ये तो आप पढ़ सकते हैं, ओके। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ओके। जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया इसको। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट, तो बेसिकली देखिए स्टेट के भी कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, राइट, उनको भी पैसा चाहिए स्टेट्स को, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोविजन है कि अगर कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिससे स्टेट्स का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंपैक्ट होगा, तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है, ओके। सो इफ एनी बिल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड व्हिच एडवर्सली इंपैक्ट, व्हिच इज इंपैक्टिंग द स्टेट्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट, देन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। और वो बिल्स क्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर कोई बिल जो टैक्स और एसी टैक्स और ड्यूटी से डील करता है जिसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट है, या कोई बिल यू नो चेंजेस द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, और इट अफेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑन विच मनीज आर मे बी डिस्ट्रीब्यूट यू नो जो स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओके। और इट इम्पोजेस एनी सरचार्ज ऑन एनी स्पेसिफाइड टैक्स और ड्यूटीज फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर। देखिए ये याद मत करिए, डू नॉट मेमोराइज इट, ओके। आपको बस इतना याद रखना है, इतना एक जनरल चीज याद रखिए, अगर कोई बिल, इफ देयर इज अ बिल व्हिच इंपैक्ट्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, तो उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। यानी ऐसा बिल जो ऐसे कोई टैक्स लगाए या ऐसा कुछ टैक्स को ऑल्टर करे जिसमें टैक्स या यू नो ड्यूटी को जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट है, तो उसको जो है उसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि स्टेट का इंटरेस्ट, राइट, स्टेट्स इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली उस टैक्स के जो नेट प्रोसीड्स है उसमें से एक शेयर स्टेट्स को मिल रहा है, राइट, उस टैक्स या ड्यूटी के नेट प्रोसीड्स है उसमें से एक शेयर स्टेट्स को मिल रहा है। अब नेट प्रोसीड्स क्या हुआ, व्हाट इज नेट प्रोसीड्स, इट मींस टोटल कलेक्शन माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, टोटल कलेक्शन माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। और ये डिटरमाइन कौन करता है, ये कौन बताता है कि ये इतने नेट प्रोसीड्स है, ये नेट प्रोसीड्स आर डिटरमाइंड बाय सीएजी, सीएजी डिटरमाइन करता है कि नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस क्या है, ओके। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, अगेन थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है बट ये एक जनरल पॉइंट याद रखिए, इसको मगअप मत करना, ओके। ये जनरल चीज जो मैंने आपको बताई वो याद रखिए कि स्टेट्स इंटरेस्ट मतलब कोई ऐसा टैक्स या ड्यूटी जिसके नेट प्रोसीड्स में से एक शेयर स्टेट को मिल रहा है, तो अगर उसको चेंज करने के लिए कोई बिल लाना है तो उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। नाउ बोरोइंग बाय सेंटर एंड स्टेट्स, सो सेंटर एंड स्टेट्स बोरोइंग के लिए क्या प्रोविजन है, राइट। सो सेंटर की जहां तक बात करते हैं, तो सेंटर कैन बोरो बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर भी और बाहर से भी बोरो कर सकता है। इट कैन यूज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज सिक्योरिटी, मतलब बोरोइंग लेने के लिए इट कैन से कि ये मेरे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसकी गारंटी या सिक्योरिटी ले सकते हो आप। एंड पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन पुट मेक अ लॉ एंड पुट लिमिट्स ऑन द बोरोइंग बाय द सेंटर, पार्लियामेंट एक लॉ बना के लिमिट्स डाल सकता है सेंटर की बोरोइंग पे। एंड ऑल्सो सेंटर कैन गिव लोन्स टू एनी स्टेट और गिव गारंटी फॉर स्टेट लोन्स, राइट, एंड दिस विल बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सेंटर इज इम्पॉर्ट टू नॉट ओनली बोरो बट गिव बोरोइंग्स, मतलब लोन दे सकता है सेंटर स्टेट को, या स्टेट कोई लोन देना चाहता है तो उसके लिए गारंटी दे सकता है सेंटर, और ऐसा अगर करता है तो इट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब उस पर कोई वोटिंग नहीं होगी, ओके। सो सेंटर के लिए बोरोइंग की क्या प्रोविजन है, आई होप दैट इज क्लियर। देखिए हमने टैक्स कर लिया, हमने ग्रांट कर लिया, हमने नॉन टैक्स भी कर लिया, अब हम कर रहे हैं बोरोइंग। सो बोरोइंग के लिए सेंटर के लिए क्या प्रोविजन है आपको पता चले। अब स्टेट्स के लिए क्या प्रोविजन है, सो स्टेट्स सिर्फ इंडिया के विद इन इंडिया बोरो कर सकते, इंडिया से बाहर नहीं बोरो कर सकते स्टेट्स। एंड स्टेट्स कैन यूज देयर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एज सिक्योरिटी। एंड ऑल्सो जैसे पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिमिट लगा सकती है, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट के लिए लिमिट लगा सकता है ऑन इट्स बोरोइंग, ओके। एंड ऑल्सो
अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है ऑलरेडी फ्रॉम सेंटर और वो आउटस्टैंडिंग है, तो और बोरोइंग करनी है अगर स्टेट को, तो उसको कंसेंट चाहिए होगी सेंटर गवर्नमेंट की। इट वुड नीड कंसेंट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट इफ अ लोन फ्रॉम सेंटर इज आउटस्टैंडिंग। ओके, सो आई होप आपको बोरोइंग को लेके जो प्रोविजन है वो क्लियर है, राइट, कि बोरोइंग बाय सेंटर और बोरोइंग बाय स्टेट को लेके। अब आते हैं हम इंटर स्टेट रिलेशंस। ओके, इंटर स्टेट रिलेशंस, एंड अगेन दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें पढ़ने हैं। पहला है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो इंटर, देखिए हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है, राइट, बट रिवर्स तो फेडरल नहीं है। रिवर्स तो जो स्टेट्स की बाउंड्री फॉलो नहीं करती है। एक रिवर जैसे गंगा ले लीजिए, तो वो तो पांच स्टेट्स के थ्रू फ्लो होती है। ऐसी कावेरी हो गई, राइट, गोदावरी हो गई, और बिकॉज इट फ्लोस थ्रू डिफरेंट स्टेट्स, उस रिवर के वाटर का यूज को लेके, उस पे डैम बनाने को लेके कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली एट द टाइम इट वाज रियलाइज कि डिस्प्यूट्स होंगे, तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व दोस डिस्प्यूट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अंडर आर्टिकल 262 ये प्रोविजंस दिए थे। क्या प्रोविजन दिए थे? कि ऐसे जो डिस्प्यूट्स होंगे इंटर स्टेट रिवर वाटर पे, उसके उसको एडजुडिकेट करने के लिए पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है। सो पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ओके, और इसके अंदर फिर पार्लियामेंट ने दो लॉ भी बनाए। एक है रिवर बोर्ड्स एक्ट, यानी एक रिवर बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, एक रिवर बोर्ड जो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू मैनेज अ इंटर स्टेट रिवर। एक इंटर स्टेट रिवर है, तो टू मैनेज दैट इंटर स्टेट रिवर, इंटर स्टेट मतलब दो या तीन स्टेट्स के थ्रू पास हो रही है, तो उस रिवर को मैनेज करने के लिए एक रिवर बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और अभी तो ये न्यूज में भी था, राइट, क्योंकि इसको रिप्लेस किया जा रहा है। एक बिल आया थे 2019 में, ओके, सो इसको रिप्लेस किया जा रहा है। सो ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है 1956 का, इट इम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कि कोई वाटर डिस्प्यूट हुआ किसी के बीच में, तो उस वाटर डिस्प्यूट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का ट्राइब्यूनल बना सकती है, और वो ट्राइब्यूनल उस डिस्प्यूट को हैंडल करेगा, और उसका जो जजमेंट रहेगा ट्राइब्यूनल का, इट कैन नॉट, इट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, और इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसका जो जजमेंट है उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, राइट। एंड इनफैक्ट पार्लियामेंट को सेकेंड पावर यही दी गई थी कि पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन और सच डिस्प्यूट्स। बट देखिए एक चीज है, लीगल राइट्स का या लीगल इंटरेस्ट का केस आएगा तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। बट अगर हाँ टेक्निकल मैटर है कि इतना इतना वाटर इसको देना है, इतना वाटर इसको देना है, या पॉलिटिकल मैटर है जो जो ट्राइब्यूनल ने डिसाइड करके दिया है, उन चीजों में नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट। बट कोई लीगल मैटर कि क्या ये इसने जो डिसीजन दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग है, ये चीजें देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगी। ओके, सो आई होप दिस इंटर स्टेट वाटर रिलेशंस को लेके, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट को लेके जो आर्टिकल 262 के अंदर प्रोविजन है वो क्लियर है आपको। अब ये करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट है, तो ये आपका एक बिल है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019। इसके की प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने हैं। एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी बनाता है, तो मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ एट द फर्स्ट इंस्टांस, तो सबसे पहले वो डिस्प्यूट है ना नेगोशिएशंस के थ्रू ये कमिटी बनाई जाएगी, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी बनाई जाएगी, और ये कमिटी ट्राई करेगी कि वो डिस्प्यूट है नेगोशिएशंस के थ्रू एक साल के अंदर, विद इन वन ईयर वो डिस्प्यूट हम रिजोल्व कर ले। ओके, अगर नहीं कर पाते तो फिर बात जाएगी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के। इफ ये डीआरसी जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी, इफ इट इज नॉट एबल टू रिजोल्व द डिस्प्यूट, देन द मैटर विल गो टू द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। अब आ जाओ अगला। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, एंड देर विल बी ओनली अ वन ट्राइब्यूनल। सिर्फ अभी क्या है, करेंटली क्या है, हर डिस्प्यूट के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल बनाए गए। तो अब अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट बिल, इस बिल के अंदर प्रोविजन क्या है, बेसिकली इस बिल के अंदर प्रोविजन है कि एक ही ट्राइब्यूनल बनेगा, ओनली वन ट्राइब्यूनल, और उसकी मल्टीपल बेंचेस बनेंगी, राइट, मल्टीपल बेंचेस बनेगी जो डिफरेंट वाटर डिस्प्यूट्स से डील करेंगी। सो एक ट्राइब्यूनल होगा बट मल्टीपल बेंचेस होगी। अभी क्या सिस्टम है, अभी मल्टीपल ट्राइब्यूनल्स है। ओके, दूसरा कंपोजिशन क्या रहेगी ट्राइब्यूनल की, इट विल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, थ्री जुडिशियल मेंबर्स एंड थ्री एक्सपर्ट मेंबर्स। ऑल्सो
ट्राइब्यूनल के ऊपर टाइम लिमिट होगी, ऐसा नहीं है एक टाइम लिमिट के अंदर उसको डिसीजन देना होगा। क्योंकि देखिए अभी क्या देखा गया है, जो जो एग्जिस्टिंग जो इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है वो 20 20 साल ले लेते हैं, दे टेक अप टू 20 ईयर्स टू यू नो डिसाइड अ डिस्प्यूट, और कई बार 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, कई डिस्प्यूट अभी तक डिसाइड नहीं हुए। तो दैट्स वाई अंडर दिस यू नो अमेंडमेंट बिल जो है ट्राइब्यूनल के ऊपर टाइम लिमिट रखी गई है। टाइम लिमिट कितनी है, 2 साल की, विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। तो टाइम लिमिट इज ऑफ 2 ईयर्स, एक्सटेंडेबल बाय 1 ईयर। और जो डिसीजन होगा ट्राइब्यूनल का, इट विल बी बाइंडिंग ऑन स्टेट्स एंड विल हैव सेम फोर्स एज एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब बेसिकली पहले क्या होता था, कोई भी डिसीजन हुआ जो लिया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ता था। बट अब जो है इसका डिसीजन एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरह होगा, तो कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। जैसे ही ये डिसीजन लिया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन लेता है तो या ऑर्डर देता है, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको इंप्लीमेंट करना है, वैसे ही अगर एक जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने एक डिसीजन लिया तो उसको जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि जो इसका जो डिसीजन होगा इस अमेंडमेंट बिल के अंदर, जो एक इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, उसका जो डिसीजन होगा इट विल बी सेम सेम इट विल हैव सेम फोर्स एज एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब हम आते हैं इंटरस्टेट काउंसिल्स पे। तो ये आपके आर्टिकल 263 में है इंटरस्टेट काउंसिल्स। ओके, एंड दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट बना सकते हैं। सो बेसिकली प्रेसिडेंट कैन मेक वेरियस इंटरस्टेट काउंसिल्स, ताकि कोऑपरेशन हो यू नो सेंटर और स्टेट्स के बीच में ऑन वेरियस मैटर्स। सो प्रेसिडेंट कैन डिफाइन कि क्या ड्यूटीज होनी चाहिए इसी काउंसिल की, राइट, और क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसीजर होना चाहिए। ये कौन बताएगा? प्रेसिडेंट। सो हु कैन मेक इंटरस्टेट काउंसिल्स? प्रेसिडेंट। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। और आर्टिकल 263 में भी दे रखा है कि क्या ड्यूटीज असाइन की जा सकती है ऐसी काउंसिल्स को। अंडर आर्टिकल 263 इट इज गिवन व्हाट ड्यूटीज कैन बी असाइन टू सच काउंसिल्स। तो क्या है कि इंक्वायरिंग एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स बिटवीन यू नो स्टेट्स, की स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है तो उसको इंक्वायर करना, उसके ऊपर एडवाइस करना, या कोई सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है सेंटर और स्टेट का या स्टेट्स का तो उसको इन्वेस्टिगेट और डिस्कस करना, और अल्टीमेटली इन चीजों पर रिकमेंडेशन देना कि क्या किया जा सकता है। ओके, और ये जो काउंसिल है इसका नेचर एडवाइजरी होता है, इसमें जो काउंसिल्स बनाई जाती है उनका नेचर एडवाइजरी होता है, बस एडवाइस देते हैं, राइट, वो बाइंडिंग नहीं होती। ऑल्सो कुछ ऐसी काउंसिल जो एस्टेब्लिश की गई थी, सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट, ये जो काउंसिल्स है ना दे आर एस्टेब्लिश बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 263, राइट। अब एक सेपरेट इंटर स्टेट काउंसिल जो बेसिकली एक जनरल काउंसिल जो सारे मैटर से डील करेगी, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1990 एज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, और ये सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। ओके, इसकी कंपोजिशन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्राइम मिनिस्टर आपका चेयरमैन है, चीफ मिनिस्टर जो है सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर है इसमें मेंबर्स, राइट, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कौन से, जे एंड के हो गया, दिल्ली हो गया एंड पुडुचेरी हो गया, तो इनके चीफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, अगर कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल में तो उसका गवर्नर आएगा, एंड 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर आर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और 5 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट और 5 मिनिस्टर ऑफ या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अगेन ये एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, राइट, या गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, तब आपको समझ में आएगा ये क्या होता है, राइट, दे आर परमानेंट इन्वाइटीज बाय पीएम। ओके, सो प्लीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसी चीज है ये आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, ओके, तभी याद रहेगी। और जो ये इंटरस्टेट काउंसिल है इसकी एक स्टैंडिंग कमिटी भी है। स्टैंडिंग कमिटी मतलब देखिए काउंसिल तो एक बार मिलेगी फिर चले जाएंगे सब अपना अपना काम करने, बट ये एक जो कॉन्टिन्यूअसली फंक्शन करती है वो स्टैंडिंग कमिटी है इसकी। उसमें यूनियन होम मिनिस्टर जो है चेयरमैन है, प्लीज रिमेंबर दिस, 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं यूनियन के और 9 चीफ मिनिस्टर्स। ओके, सो ये जो है कंपोजिशन है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ काउंसिल की। और फिर आगे आपका इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट, तो इसको हेल्प करने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट भी है, एंड दिस सेक्रेटरीट ऑल्सो एक्ट्स एज सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल्स, राइट। अब आ जाते हैं तीसरी चीज, इसके अलावा एक और चीज है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट अगेन।
इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके भी कुछ प्रोविजन है, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मैटर जिसके कारण स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकता है या जिसमें कोऑपरेशन चाहिए। तो पहली चीज तो आर्टिकल 301 क्या कहता है कि देर इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। मतलब इंडिया में कहीं भी आप ट्रेड कॉमर्स यू नो ट्रेड कर सकते हो, ओके, देर इज फ्रीडम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, राइट। बट फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कुछ केसेस में रिस्ट्रिक्शंस देता है, कुछ केसेस में अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स में रिस्ट्रिक्शंस डाली जा सकती है। ये कौन से केसेस हैं? पार्लियामेंट इंपोज कर सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर भी इंपोज कर सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। बट ऐसे में प्रेसिडेंट का ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का सैंक्शन रिक्वायर्ड होता है। स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स इंपोज कर सकता है गुड्स ऑन फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड यूटीज, अगर कोई गुड्स गुड किसी दूसरे स्टेट या यूटी से आ रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर उस पर टैक्स इंपोज कर सकता है। एंड ऑल्सो दिस इज फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन लॉ, मतलब कोई नेशनलाइजेशन लॉ में भी इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स और उस पर रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं, ओके। ऑल्सो ये जो सारे मैटर्स हैं, ये सारा मैटर इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स को डिटरमाइन करने के लिए पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर द इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स, ओके। बट अभी तक कोई ऐसी अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की गई है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए जोनल काउंसिल्स पे। सो जोनल काउंसिल्स अगेन, इसमें की पॉइंट्स याद रखिए, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब लॉ के थ्रू बनाई गई हैं। कौन से लॉ के थ्रू? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राइट। पांच जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न, ओके। वेस्टर्न एंड साउदर्न एक ही है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। और एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बाद में बनाई गई थी थ्रू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट। और जोनल काउंसिल्स की कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन, राइट। होम मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ही इज द चेयरमैन। चीफ मिनिस्टर है, जो उस जोन में सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। टू मिनिस्टर्स फ्रॉम द ऑल दी यू नो स्टेट्स इन द जोन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी। और ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर वाइस चेयरमैन ऑन रोटेशन बेसिस, एक साल का टर्म होता है, वन ईयर टर्म होता है इनका, ओके। सो आई होप कंपोजिशन भी क्लियर है। अगेन फंक्शंस क्या है? फंक्शंस वही है कि कोऑर्डिनेशन करना, डिस्कशन करना, लाइक कोऑपरेशन बढ़ाना, ओके। सो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपोजिशन जरूर याद रखिए, ओके। और ये दो पॉइंट याद रखिए कि ये स्टैट्यूटरी है और इनकी कंपोजिशन क्या है। सो दिस इज इट फॉर अवर लेक्चर ऑन द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस एंड इंटर स्टेट रिलेशंस, ओके। सो बेसिकली हमने अब फेडरल रिलेशंस काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है, ओके। अगेन आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज, ये जो चैप्टर्स हैं इसमें रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ये चीजें आपको याद रहेंगी। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये चीजें याद नहीं रहेंगी, ओके। सो प्लीज रिवाइज एंड थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। और ऑल्सो कोई भी डाउट हो आपको, प्लीज डाउट फॉर्म में पुट करिए, वी विल डील विद इट ऑन दी संडेज, ओके। So thank you very much and see you again next time.